गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन में कल अपन ने साक्षरता पढ़ा। करण खड़ा हो जा। औसत साक्षरता दर कितनी है भारत की? रक्षित खड़ा हो जा। नहीं गलत है, वो 76.04 है ना, उसके अंदर भी 73 ही है। ये इसमें राशन बोर्ड की मैं अधिकतर में गलत छप रहा है, 74 आएगी इसमें। 74.04 है। बैठ जा। तो वो बता दो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? ऐसे कैसे आईडिया मार रहा है तू? तो और फिर इसमें महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग है ना राजस्थान में। ये तो है राजस्थान की और ये है भारत की। अब राजस्थान की नवीन बता महिलाओं की कितनी है साक्षरता दर? 53% कर पड़ा है ना। और पुरुषों की? 80% ले सकते हो, ठीक है। और भारत में महिलाओं की और पुरुषों की? 82 65% लगभग लिख सकते हो अगर सही आते याद नहीं है, ठीक है ना। आ गए समझ में? बैठ जाओ। देखो भारत की औसत साक्षरता दर है 74%, उसमें से पुरुषों की है 82% और महिलाओं की 65%। इसके कम होने के कारण मैंने कल तुम्हें बता दिए थे कि कम किस कारणों से है। इसी प्रकार से राजस्थान का औसत है 67%, जिनमें महिलाओं की काफी कम है, यह अंतर जो है 53% और पुरुषों की 80%, ठीक है। अब सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और सबसे कम? बिहार। केरल की कितनी है? 93%, ठीक है। 94 लिख सकते हो लगभग, 94, ठीक है। और इसके बिहार की 63 है ना, वो सबसे भी कम है, ठीक है। और राजस्थान में इसी प्रकार से राजस्थान में बताया था सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। और सबसे कम? जाओ, ठीक है। ये 3-4 चीजें थी जो अपन ने रिपीट कर लिया, ये याद कर लेना आपने, जिसके याद नहीं है और कंपैरिजन भी याद करोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। अब है अगला अपना लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है? पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को, संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। यह अपने भारत में किस इससे मापा जाता है? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है कुल स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग दिया जाता है और उसको 1000 से गुणा किया जाता है, समझ गए। अब अपने यहाँ लिंग अनुपात है कितना? 2011 के अनुसार लिंग अनुपात भारत का कितना है? 940। और 2001 में कितना था? 33, ठीक है। तुलनात्मक आंकड़े आपको याद होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? गलत है, ये राजस्थान की बोर्ड की बुकों में गलत है, या एनसीईआरटी में देखना। आप एनसीईआरटी में
921 राजस्थान का है, 933 है भारत का, ठीक है। तो इसमें देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया स्त्रियों और पुरुषों के बीच का जो अनुपात है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात में जैसे 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, अब अपने यहाँ है 1000 पुरुषों पर 940 है, मतलब यह औसत से कम है। अब इसमें भी वही जैसे साक्षरता में अपन ने पढ़ा है कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल, जिसमें कितना है लिंग अनुपात 1084, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, दे रखा है ना तुम्हारी बुक में, हरियाणा है कि पंजाब, इसमें 827 है ना, 22 या 27 में, ठीक है ना। तो इसमें लिंग अनुपात से मतलब है कि स्त्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है, इसका पता अपन लगाते हैं। अब अपन ने साक्षरता में भी यही किया था कि साक्षरता से अपन को वहां की जो स्थिति है उसे, क्योंकि साक्षरता से ही सारे विकास कल भी मैंने बताया था कि सामाजिक आर्थिक सारे विकास साक्षरता से ही डिसाइड होते हैं, ऐसे ही लिंग अनुपात क्योंकि समाज के लिए दोनों ही जैसे स्त्री और पुरुष दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि जहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है वो ज़्यादा विकसित होगा या जहाँ स्त्रियों की संख्या अधिक है वो कम विकसित होगा, ठीक है ना। ये समाज के दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं, घटक है, ठीक है ना। तो अगर इनका लिंग अनुपात जैसे अपन ने पढ़ा तुलनात्मक में 2001 में 933 था और 2011 में 940 हो गया, तो बढ़ा कि घटा, ये बढ़ा, तो क्यों बढ़ रहा है और क्यों घट रहा है, इसके निम्न कारण तो वही हो जाएंगे जो जनसंख्या वृद्धि के हैं, इसके साक्षरता के हैं कि जैसे स्त्रियों की वैल्यू कम की जाती है, रूढ़िवादिता का ज्यादा प्रचार प्रसार है अपने भारत में, ये सभी चीजें धर्म से जोड़कर मानी जाती हैं। तो धर्मों में इनमें क्या था कि पहले इस प्रकार का वर्णन था कि जैसे कुछ कुप्रथाएं जो चल रही थी जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है और ये कन्यावध है जो अब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि पहले ग्रंथों के अनुसार जो जिसने लिख दिया परंपरा मानते थे, पुरुष प्रधान समाज है ना शुरू से ही, तो जो पुरुषों ने बना दी परंपराएं वही चलती थी, इससे स्त्रियों की काफी दयनीय स्थिति थी। लेकिन अब धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ है, रूढ़िवादिता का धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा है सोच में, वो किसके कारण से हो रहा है, अपने कल पढ़ा था ना साक्षरता के कारण कि लड़का और लड़की को समान जैसे अधिकार प्राप्त है, समान दर्जा दिया जाता है, लड़कियों को भी उतना ही परवरिश पे ध्यान दिया जाता है जितने की लड़कों पे। लेकिन प्राचीन काल में जब आप पढ़ोगे पुराने जैसे 17वीं 18वीं सदी तक ही मान लो आप, मध्य काल में तो विशेष रूप से स्त्रियों की दयनीय स्थिति थी, जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना कि मध्य काल में जो जितनी भी ये प्रथाएं थी और जितने भी जो ये रूढ़िवादिता ये थे ना, ये अत्यधिक मतलब चरम पर चला गया था ये चीजें, तो महिलाओं की अत्यधिक दयनीय स्थिति थी समाज में और बहुत ही कमी थी। फिर उनमें धीरे धीरे जो आधुनिक युग में इनमें बदलाव किया गया अपनी सोच को परिवर्तन, क्योंकि जब तक मध्य काल तक सिर्फ राजतंत्र था अधिकतर, आपने पढ़ा होगा अधिकतर क्षेत्रों में, उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में पूरे विश्व में ये एक क्रांति हुई थी, पुनर्जागरण काल जिसे बोलते हैं ना, उसके बाद पूरे विश्व में ही काफी बदलाव हुआ, साइंस का विकास हुआ, हर चीज को जैसे जो रूढ़िवादिता से जुड़े हुए थे पहले हर चीज को क्या मानते थे, प्रकृति का तोहफा मानते थे, हवा चल रही है तो प्रकृति के अनुसार चल रही है, बारिश हो रही है तो प्रकृति देवताओं की कृपा है, या ऐसे बोलते थे। अब की बात जैसे मानसून देर से आता है, अब वैज्ञानिक युग में या अपन आधुनिक युग की बात करें तो इसमें अपन ने खोज कर लेना कि मानसून देरी से क्यों आता है, वर्षा किससे होती है मानसून से, पहले इंद्र देवता उसको हवन यज्ञ करते रहते थे प्राचीन काल में अपन ने पढ़ा है ना, तो
हवन यज्ञ करते रहते थे कि उनमें जितनी आहुति देंगे उतने ज्यादा इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। आजकल भी आप देखते हो गांव में बारिश नहीं होती, अगर कुछ मानसून लेट हो जाता है किन्हीं कारणों से, उसके कारण है। लेकिन गांव में क्या मानते हैं कि यज्ञ शुरू कर देते हैं, हवन करना शुरू कर देते हैं, भजन करते हैं कि देवता की कृपा से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका क्यों और कारण का जैसे खोज लिया है कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। तो अपन ये बात कर रहे थे कि ये सारी चीजें रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई थी, लोगों को ज्ञान नहीं था, साइंस का विकास हुआ है, ये रूढ़िवादिता खत्म हुई है, तो स्त्रियों की संख्या में भी सुधार हुआ है, उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं। और अब जैसे धीरे धीरे इसकी तरफ, जैसे सरकार, आपने कल भी पढ़ा था ना कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए विभिन्न लड़कियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, इसी प्रकार से लिंगानुपात बढ़ाने के लिए भी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। कैसे, जैसे पहले कन्यावध होता था वो बंद हो गई है, कुप्रथाएं तो लगभग सारी बंद हो गई हैं। इसके बाद भी जैसे लड़की का जन्म होता है तो सरकार सहायता देती है ना, उसके खाते में अकाउंट में जमा करवाती है कुछ पैसे उसके लालन पालन के लिए खर्च करने के लिए देती है। तो इस प्रकार की ये सुविधाएं कर रखी हैं जिससे कि लोगों में ये हो जाए कि लड़की एक भार नहीं है, ये भी एक अपने मतलब हिस्सा है अपने समाज का। ठीक है, तो अब अपन ये पढ़ते हैं। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष या देश राज्य या स्थान के पुरुष व स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं, आ गया समझ में, क्या आया नवीन? स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। अब तो ये ध्यान रखना, अब इसको निकाला इस नियम से जाता है, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है, अर्थात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज के पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। अब देखो ये चीज आई है ना कि सामाजिक समानता से आप क्या समझते हो? समाज में समान दर्जा दिया जाता है स्त्रियों को, लड़कियों को। अब जैसे देखो, अब समाज पढ़ा लिखा हो गया, आर्थिक रूप से संबल हो गया, तो एक या दो बच्चे जैसे मोस्टली करते हैं, उनमें चाहे दोनों लड़कियां हो गई चाहे लड़के हो गए। लेकिन आप पुराने जमाने में आपके दादाजी या उससे पहले पीढ़ी वाले में देखोगे तो जिसके दो या तीन लड़के नहीं होते तब तक बच्चे मतलब परिवार को पूर्ण नहीं मानते थे। ठीक है ना, तो अब ये सोच बदल गई ना धीरे धीरे कि लड़का लड़की समान है। तो सामाजिक समानता का जो प्रचार प्रसार हुआ है इससे लिंग अनुपात में काफी सुधार आया है। देश में लिंगानुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। इससे क्या समझे आप कि महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। अपने देश में ज्यादातर राज्य आप देखोगे कि जो लिंगानुपात है वो औसत से कम मिलेगा। औसत कितना है? 940। जैसे दो तीन राज्य ऐसे होंगे जिनमें लिंगानुपात अधिक है, अन्यथा सभी में लिंगानुपात कम पाए जाते हैं। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात 940 अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 ही है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 सबसे अधिक है। हरियाणा का लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ लिंगानुपात 1877 है। ठीक है, अब केरल में तो सबसे अधिक ही है, याद रखने आपको 1084 औसत से भी, मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भी 1000 होनी चाहिए लेकिन वहाँ 1084। ठीक है, अधिक है। और सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा, इसमें दे रखा है 877। ठीक है, तो इसमें सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का। आपको ये दोनों याद रखना है। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 926 है,
जो कि 2001 के लिए अनुपात 921 की तुलना में बढ़ा है। अब देखो राष्ट्रमंडलीय अनुपात देखेंगे अपन तो 2011 में कितना है 926, ठीक है ना, और 2001 में कितना था 921। तो अपन ने देखा कि भारत में भी लिंग अनुपात जो औसत है वो बढ़ा है और राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी तरफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लिंग अनुपात देखो 2011 का लिंग अनुपात 1901 से अब तक की सभी जनगणना में सबसे अधिक है, जो राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात अधिक रहा है। लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या माना जाता है। सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म और उसके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि इस समस्या का समाधान जन जागृति और शिक्षित समाज में ही संभव हो सकेगा, ठीक है। अब इसके बाद है राजस्थान में डूंगरपुर व राजसमंद जिले ऐसे हैं जहां प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। डूंगरपुर में 990 तथा राजसमंद में 988 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर हैं। राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात धौलपुर जिले का है जहां प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है। आगे समझ में, राजस्थान में देखो अपन ने दो चीजें पढ़ी हैं, इसमें भारत का लिंग अनुपात औसत लिंग अनुपात कितना है 940, सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का है, सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। इसी प्रकार से राजस्थान में औसत लिंग अनुपात कितना है 926। अब सबसे अधिक लिंग अनुपात राजस्थान में कहाँ का है, डूंगरपुर और राजसमंद का, ठीक है, और सबसे कम धौलपुर का। आपको याद रखना है ये चार चीजें। अब लिंग अनुपात कम होने का सबसे मुख्य कारण क्या माना है, भ्रूण हत्या, जो कि जन्म से पहले ही बच्चे को जैसे खत्म करवा देते, मरवा देते हैं, तो इस पे सरकार ने रोक लगा दिया, इस पे आर्थिक दंड भी है और सजा भी है, तो इससे अब काफी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, क्योंकि कोई भी कानून का जब तक सख्ताई से पालन नहीं करेंगे तब तक वो अप्लाई नहीं होता है। और कुछ ऐसी योजनाएं चला रही है सरकार जो प्रोत्साहित लड़कियों को जन्म के समय जैसे आर्थिक रूप से उनकी सहायता करना और विशेष रूप से उनका लालन पालन करना विशेष ध्यान देती है ना सरकार, तो इसलिए भी लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है, ठीक है। अब ये लिंग अनुपात था, लिंग अनुपात आ गया आपकी समझ में, ये चार चीजें हैं। लिंग अनुपात स्त्री और पुरुषों की बीच की संख्या का जो अनुपात होता है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। ये प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसमें 2011 में औसत लिंग अनुपात याद रखना आपको 940 है, और कई बार जैसे तुलनात्मक अध्ययन पूछ लेते हैं कि लिंग अनुपात का तुलनात्मक अध्ययन, तो आपको 2001 के आंकड़े भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 2011 में तो 940 था, 2001 में जैसे आप निष्कर्ष में लिखोगे ना कि लगातार लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है, तो इसमें लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से राजस्थान का औसत है 926, सबसे अधिक केरल में है भारत में, केरल राज्य में 1084 और सबसे कम हरियाणा में। उसके बाद है राजस्थान में 926 है, इसमें डूंगरपुर और राजसमंद इनमें सबसे अधिक है और धौलपुर में सबसे कम लिंग अनुपात है। इसके कारण क्या हैं, यह एक तो सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या को माना गया है, सामाजिक रूढ़िवादिता आ जाएगी इसमें, ये सारे कारण है कि समानता का जैसे अधिकार नहीं दिया जाता था लड़कियों को, इसलिए इनमें लिंग अनुपात में कमी आई है। अब यह लर्न कर लेना, ठीक है, इससे आप निकल पड़ेंगे।